झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में आज सुबह तीसरी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक नवलगढ़ कस्बे के घुमचक्कर क्षेत्र में मुकेश जांगिड़ के मकान का काम चल रहा था। पिछले करीब 6 महीने से मकान का काम चल रहा था। रोजाना की तरह आज सुबह भी मजदूर काम करने के लिए पहुंचे और काम करने लगे। डेरावाली ढाणी के 22 वर्षीय प्रवीण वाल्मीकि तथा नवलगढ़ मोहल्ला मोचिया निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद अली निर्माणाधीन मकान के तीसरी मंजिल पर शेटरिंग का काम करने लगे। इसी दरमियान पेड़ फिसलने से दोनों तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरे, जिससे प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मोहम्मद अली घायल हो गया। घायल मोहम्मद अली को नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। हम कोई चीज खींच रहे तो कोई पट फिसल गया, यानी तेज हवा थी ना, वो कराची खुल गई। घटना सुबह की है और 10 बजे के बीच में सर्किल के पीछे घूमते थे। आज सुबह करीब 9:30 बजे की बात है। प्रवीण कुमार पुत्र लालचंद, जाति वाल्मीकि, उम्र 22 साल, निवासी डेरा वाली ढाणी नवलगढ़, व मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति दिल्ली, उम्र 29 साल, निवासी नवलगढ़, जो मुकेश जांगिड़ घूमचक्र के पास काम कर रहे थे, जिसे काम करते करते गिरने से प्रवीण कुमार की तो मौत हो गई, वह इसके मोहम्मद अली के शरीर पे चोटें आई। हाँ, प्रवीण के परिजन आ गए, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।